सभी को नमस्कार। मैं ओम कुमार, कक्षा 7वीं B का छात्र, आज आप सभी के सामने एक जादुई कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का शीर्षक है सहयोगी पत्थर। देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। इस कहानी में एक लड़का है राम। राम एक दिन अपने घर में गमलों की गुराई कर रहा होता है और अचानक उसे देखिए क्या मिलता है। ओह, यह तो एक पत्थर है और यह रंग बिरंगा है। यह तो उतना ही सुंदर है जितने हमारे पौधे सुंदर होते हैं। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता, हमारे पौधे हरे क्यों होते हैं? हमारे पौधे इसलिए हरे होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल इनकी फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। कौन बोल रहा है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कौन है ये? कोई मुझे डरा तो नहीं रहा? बालक, ये मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा सहयोगी पत्थर। तुम बोल रहे हो यह? मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, तुम्हारी परीक्षा में भी मदद कर सकता हूँ। मुझे अपने पास रख लो। नहीं सहयोगी पत्थर, मुझे तुम नहीं चाहिए। मुझे अपने कौशल पर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। मुझे अपने बल पर परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं। मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए और उससे मुझे प्रसन्नता भी बिल्कुल भी नहीं हो। नहीं नहीं, रख लो मुझे। नहीं चाहिए मुझे। आपने देखा, राम ने अपने सहयोगी पत्थर को वापस गमले में गाड़ दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कौशल पर विश्वास करना है और उसी आत्मविश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है, ना कि किसी के सहयोग के साथ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कक्षा 7वीं B के छात्र ओम कुमार।